हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल मौर्या प्लम्बिंग वर्क में आप लोग का स्वागत है। देखिए, मैं गोविंद मौर्या प्लम्बर आपको दिखा रहे हैं। ये मुंबई में साइड कर रहे हैं, मुंबई के घनसोली में है, नवी मुंबई। तो घनसोली में डी मार्ट के बाजू में तुलसी और टावर है, उसमें काम हो रहा है, ये 13 माले पे। तो दोस्तों, आपको एक लाइन से दिखाते हैं। ये हमारा वॉश बेसिन का 2 फुट का प्रोविजन है, मार्क हमने किया है। ये देखिए, 2 फुट का वॉश बेसिन का एरिया है। इसका इनलेट आउटलेट हो गया, इनलेट 2-3 इंच डाउन हो रहा है, मतलब जो यहाँ पॉइंट है उससे 3 इंच ऊपर से आड़ा पाइप हॉरिजेंटल जा रहा है। तो ये देखिए, हमारा चेयर ब्रैकेट है, इसमें हमने SS का नट बोल्ट वापरा हुआ है, और 4 इंच का एक टॉयलेट का पाइप का लाइन चला गया, और ये 1.25 का CPVC फ्लश वाल का लाइन है। यहाँ पे हिंदवेयर का फ्लश वाल हमने लगाया है, तो यहाँ से सीधा सीधा लाइन जा रहा है। एक टी मार्क हमने जे स्प्रे के लिए दीवाल में से सीधा लिया, ये हमारा लेज आ जाएगा, तो लेज में जे स्प्रे के लिए होल मारने के लिए भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे FT का पॉइंट किया हमने जे स्प्रे का। तो दोस्तों, उसके बाद सीधा ले चलते हैं। देखिए, ये टी मार के सीधा डाइवर्टर को जा रहा है, डाइवर्टर का इनलेट पॉइंट, और ये 2 फुट में स्पाउट हो गया, और सीधा ये फ्लश वाल का लाइन सीधा बाहर निकल रहा है, और डाइवर्टर का लाइन स्टेप ओवरबेंड मार के सीधा सीधा सीलिंग में जाएगा। तो फॉल सीलिंग बनने के बाद उसको डिसाइड करेंगे कि कहाँ पे जाएगा। इसके बाद आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे गर्म लाइन सीधा सीधा यहाँ से बाहर निकल रहा है, और मेन लाइन भी बाहर जाके निकल रहा है। बाहर आप देख सकते हैं, यहाँ पे वॉल है, और इस एक पॉइंट हमने निकाल के रखा हुआ है गीजर को लेके जाने के लिए, तो बाहर गीजर लगेगा, और ये गीजर का इनलेट आउटलेट, गीजर का इनलेट। तो ये बाथरूम भी हमारा फाइनल हो गया है। 30 इंच का शावर एरिया और 30 इंच का कमोड एरिया, 2 फीट का वॉश बेसिन एरिया, ये नैनी ट्रैप है। तो इस वीडियो में तो इतना ही है। अगर आप हमारे चैनल मौर्या प्लम्बिंग वर्क को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।